दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीएमएस स्टार कोचिंग। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपका एसएससीजीईटी का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, लोग जो इन लेटर भी आ चुके हैं और अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है। देखो भाई अभी है ना एसएससीजीईटी का और दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, मतलब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एसएससीजीईटी का कैलेंडर आ चुका है। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आपके 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ था एसएससीजीईटी में वो बहुत मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें, बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे। तो उनको मैं एक बात बता दूँ कि अभी आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उनमें दिल्ली पुलिस की जॉब है कि स्टेट जॉब है, स्टेट पुलिस की जॉब है जो कि एसएससीजीईटी के मुकाबले बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एसएससीजीईटी की न्यू वैकेंसी, एसएससीजीईटी की न्यू वैकेंसी आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आपकी एसएससीजीईटी की न्यू वैकेंसी 2024 वाली मतलब नवंबर में, इसी साल नवंबर में आपकी मतलब वैकेंसी आ जाएंगी और कितनी क्या वैकेंसी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी मतलब 24 नवंबर के करीब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे और फरवरी मार्च में आपकी इसकी एग्ज़ाम होनी है। तो इसमें बता तो आपको मैंने पहले बताया था कि आपके नवंबर तक फॉर्म आ जाएंगे और जो लोग बोल रहे हैं कि सर 25,000 प्लस की भर्ती है, 50,000 प्लस की भर्ती है, देखो अभी तक जो अपडेट निकल के आ रही है इसकी भर्ती की लगभग आ रही है 35,000 से 50,000 के बीच, ज़्यादा की भर्ती नहीं बताई जा रही है कि 25,000 की 1 लाख की, ऐसा कुछ नहीं है, 50,000 तक की नॉर्मल भर्ती होगी। अब की बार SSB पद भी कुछ ज़्यादा आएंगे इसमें, कुछ दोस्त बोल रहे थे ना कि सर SSB की कितनी वैकेंसी है कितना नहीं है, तो अब की बार SSB के पोस्ट कुछ ज़्यादा आएंगे क्योंकि पिछली भर्ती में की बार अभी जो भर्ती गई इसमें SSB की इतनी पोस्ट नहीं थी और अब की बार SSB कुछ पोस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो और मैं आपको बता दी फॉर्म 32 में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्म 32 में आपको स्पेशल NCC वालों को बता देता हूँ कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ना आप उसकी डिटेल फॉर्म 32 में ही लगा देना। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के बाद आप बाद में सर्टिफिकेट जमा कराते रहोगे तो सर हमारा फॉर्म तो उस टाइम हो गया, हमने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, अभी सर्टिफिकेट जमा कराते हैं उस टाइम नहीं किया, तो वो बाद में आपको मान्य नहीं होता है कई बार, इसलिए आप फॉर्म भरे टाइम भी अपना सर्टिफिकेट लगा लेते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद बता दूँ जो लोग बोलते हैं कि सर हमने ITV लगा दिया, आसाम लाइफ पर लगा दिया, अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल सा फंडा रखो आप, जो जिस फोर्स की वैकेंसी सबसे कम आती है ना उसको आप फर्स्ट पे रखा करो। और ये भी अगर मान लो आपको याद करेगा तो उसके अलग से मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप रखा करो NIA को, ठीक है। अब की बार NIA नहीं थी, NCB थी, तो NCB को रखो। उसके बाद आपको SSF को रखना है, SSF बहुत अच्छी पोस्ट है, SSF को रखना है। उसके बाद रखना है आपको CISF को, CISF के बाद में आपको SSB, ITVP, ठीक है, आसाम राइफल, BSF, CRK, ठीक है, ऐसे आपको मतलब क्रम वाइज रखना है। मैं ये भी बोल रहा कौन सी फोर्स ये फोर्स खराब है वो खराब है, लेकिन फिर भी मैं मतलब आपको एक अच्छी राय दे रहा हूँ कि आपको कौन सी फोर्स फर्स्ट चॉइस रखनी है, ठीक है। और NCC वालों के लिए मैंने स्पेशल बताया था। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि अभी देखो आपकी एग्ज़ाम मतलब फरवरी मार्च में आपकी एग्ज़ाम होनी है, तो आप अभी से तैयारी करो, बाद में मतलब ना कि सर हमारा हमने थोड़े 1 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, आपने उन लोगों से मेहनत कम की थी तभी तो आप की बार फाइट नहीं कर पाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है और की बार अच्छे मार्क्स ला के और भर्ती जरूर हो रहा है, ठीक है। और SSB वालों के लिए बिल्कुल वेलकम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस की भी आप तैयारी करो अच्छे से, उसका फॉर्म लगाओ, उसकी अच्छी तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पर बनाना है आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।